आइए बात करते हैं सितारों के सितारे में वरुण गांधी जी को लेके। वरुण गांधी भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। इनका जन्म 13 मार्च 1980 को नई दिल्ली में हुआ। वरुण गांधी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पौत्र हैं। वो इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी और सांसद मेनका गांधी के पुत्र हैं। वर्तमान में वरुण गांधी पीलीभीत लोकसभा से सांसद हैं। वे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और पार्टी के इतिहास में सबसे युवा राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। इससे पहले वो 16वीं लोकसभा में सुल्तानपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं। वे राजनीति में पार्टी के फायर ब्रांड नेता के रूप में पहचान रखते हैं। आइए इनकी उपलब्ध जन्म कुंडली के माध्यम से इनके व्यक्तित्व के विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। ये तुला लग्न की कुंडली है मित्रों। तुला लग्न की कुंडली का मतलब ये है कि ये राजनीति में बैलेंस को बना करके चलने वाले व्यक्तियों के तौर पर देखते हैं कि ये चाहेंगे कि इनके सभी लोग इनसे प्रसन्न रहें, इनके शत्रु और मित्रों के बीच में एक सेतु का काम करते हुए अपने जितने प्रिय ये अपने लोगों के लिए, अपने जो निकटवर्ती लोगों के लिए, उतना ही अगर कोई इनका घनघोर विरोधी भी इनके सामने कभी अगर विनम्र भाव से खड़ा हो, तुला लग्न वाले लोग वो होते हैं, उन्हें भी उनको भी सुनते, उनके लिए भी अगर कोई ऐसी स्थिति है कि जो बहुत कठोर स्थितियां हैं तो उसको भी मदद करने के लिए मेल्ट हो सकते हैं। इनके हृदय में कोई सकारात्मकता आ सकती है। साथ ही साथ ये कुंडली इस बात के लिए भी जानी जा सकती है कि बृहस्पति और सूर्य आपस में पंचम स्थान के अंदर, सूर्य और बृहस्पति, राहु और मंगल ये आय स्थान के अंदर बैठे हुए इस कुंडली को एक ऐसा एक योग बनाते हैं जिसके अंदर 6 ग्रह आपस में एक दूसरे से दृष्टि संबंध है। यानी पंचम स्थान में सूर्य, बुध और केतु हैं, साथ ही साथ राहु, बृहस्पति और मंगल आय स्थान के अंदर है। जहां सूर्य की राशि के अंदर बृहस्पति हैं, वहीं शनि की राशि के अंदर सूर्य हैं। शनि की राशि के अंदर सूर्य, कभी ऐसी स्थिति आती है कि व्यक्ति अगर एक बार कठोरता की तरफ चल देता है, एक बार अगर कहीं उसके मन में किसी व्यक्ति के लिए या किसी विचार के प्रति या कोई चीज़ को लेकर के उनके मन में लगता है कि ये रॉन्ग है, तो उसे ठीक करने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। फिर वो ये नहीं सोचते कि उसका दूसरा पक्ष क्या होगा। यानी यहाँ इनके जो लग्न है उससे कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है सूर्य शनि की राशि में होकर के, यानी कि विपरीत चला जाता है। तो तुला लग्न शुक्र का एक विनम्र और सौम्यता दिए हुए, आप इनकी मुस्कुराहट में वो सौम्यता देख सकते हैं जो शुक्र देना चाहते हैं। लेकिन इनके कार्यों में आप सूर्य की दृढ़ता, बृहस्पति का आशीर्वाद और हमेशा एक ऊंची पोजीशन इनको ईश्वर के द्वारा प्राप्त हुई कि जीवन भर एक ऐसी स्थिति इनको मिल सकती है जिसके अंदर इनकी ऊंचाई कम ना हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बृहस्पति का पंचम स्थान को देखना, ये ज्ञान से जोड़ने वाली चीज है मित्रों। अगर बृहस्पति की दृष्टि पंचम स्थान पर है तो व्यक्ति शिक्षा, पढ़ने लिखने, नॉलेजेबल व्यक्ति के तौर पर अपनी पहचान बनाने को आतुर होता है। वो ज्ञान के माध्यम से अपनी चीज़ों को आगे रखना चाहता है। तो हम देखते भी हैं कि कई किताबों के लेखक भी हैं और पढ़ने में बड़ी रुचि इनकी रहती है, ज्ञानवान व्यक्ति हैं। आप इनसे कभी बात करेंगे, इनके इंटरव्यू देखेंगे, जब ये पब्लिक में होंगे तो हम देखते हैं कि किस तरह से इनके शब्दों का सही संयोजन होता है। ये अपनी बात कहने के लिए बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारी एक ऐसी आपके सामने चीज़ रखेंगे कि आप इनको नकार नहीं सकते, इनकी किसी भी चीज़ को काट नहीं सकते, चाहे आपकी कितनी भी तैयारी पहले से हो। तो यानी आपसे ज़्यादा बेहतर तैयारी के साथ जो लोग बातचीत के अंदर होते हैं, जिन्हें बहुत सारे दृष्टांत, बहुत सारी चीज़ें, टाइम इनपुट और डेट्स और ये चीज़ें याद रहती हैं, उन में इनको आप रख सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के तौर पर हम इनको देखते हैं। हाँ, इनके जो शनि है वो जो राजनीति का प्रमुख सितारा होता है, यानी कूटनीति से जो विजय प्राप्त करने वाले लोग होते हैं, वो नहीं है मित्रों। जो शनि है वो बैठा है 12वें स्थान, यानी कि आप इनसे वो अपेक्षा मत करिए जो एक जिसको कहते हैं घाघ राजनीतिक नहीं है। ये एक अपनी जेंटलमैन वाले राजनीति, ये वैसे राजनीतिक हैं कि जो अपनी जो नॉलेज है उसके आधार पर, अपनी जो पब्लिक से जुड़ाव है, जो लोगों से जो इनका स्नेह है उसके आधार पर
ये राजनीति करना चाहते हैं। चंद्रमा इनके चतुर्थ स्थान में शनि की राशि के अंदर है, तो हर व्यक्ति से जुड़ करके अपने स्नेह से जुड़ाव रखते हुए अपने 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 लोग बनाते हुए ये राजनीति करने का मंशा रखते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हो सकता है कि जीवन के अंदर ये दो चीज़ों के बीच संतुलन न बना पाने की स्थिति के अंदर कभी ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि जब ये समझ ना पाए कि इनको किस तरफ होना है, और ये स्थिति बड़ी कई बार मन को विचलित करने वाली होती है। तो चतुर्थ चंद्रमा जब होता है और वो भी शनि की राशि में, तो व्यक्ति कई बार ये समझने में उनको परेशानी आती है। लोग उनको छका सकते हैं कि आपकी तो ये स्थिति ज़्यादा बेहतर है, और आप उन लोगों के बताए हुए रास्ते पे अपनी अच्छाई बुराई ना देख पाने की स्थिति आपको आ जाए। तो यहाँ कई बार ऐसी स्थिति इनके चेहरे पर दिखाई देती है कि ये उलझन के अंदर हो सकते हैं, ये तनाव के अंदर हो सकते हैं, ये ऐसी स्थिति में हो सकते हैं जहाँ इनको ना समझ में आता हो कि इन्हें करना क्या है। लेकिन एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात ऐसे राजनीतिज्ञों के लिए जो सौम्यता की राजनीति करना चाहते हैं, ऐसे राजनीतिज्ञों के लिए जो दृढ़ता, ज्ञान और पब्लिक से जुड़ाव की राजनीति करना चाहते हैं, ये कुंडली बहुत महत्वपूर्ण है। उन सभी जो राजनीति के अंदर शिक्षार्थी हैं, राजनीति को समझने के लिए राजनीति में अभी नए शुरू हैं, वो इस कुंडली के माध्यम से समझ सकते हैं कि बिना शनि के कैसे राजनीति होती है। बिना शुक्र और शनि अगर महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहे हैं आपकी कुंडली में, चतुर्थ स्थान से कोई बड़ा योग नहीं बना पा रहे हैं, तो भी राजनीति में आप कैसे सफल हो सकते हैं, ये उसका बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। सूर्य से की गई राजनीति का महत्वपूर्ण उदाहरण है कि आप प्रशासन अपने ज्ञान, अपनी आत्मिक दृढ़ता के साथ, आत्मा के उजाले के साथ में कैसे आप राजनीति कर सकते हैं, इसका ये कुंडली एक बहुत बड़ा उदाहरण उनके लिए भी है जो ज्योतिष के क्षेत्र में शिक्षार्थी। ये जो नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप इन पर हमें अपने सुझाव, अपनी जिज्ञासाएं, अपने सवाल भेज सकते हैं। इसी प्रोग्राम में हम आपको उन समस्याओं, जिज्ञासाओं और सवालों के जवाब देने का प्रयास करेंगे। भाग्य में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।